हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सपना किचन। आज हम बनाएंगे गाजर का लड्डू। ये लड्डू बहुत ही स्वादिष्ट होता है और बनाने के लिए बहुत ही आसान है और बहुत ही कम टाइम में बन जाती है। तो चलिए देखते हैं गाजर लड्डू बनाने के लिए किन किन चीजों की जरूरत पड़ेगी। मैंने यहाँ पर 5 ग्राम गाजर लिया है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है, 1/2 कप कोकोनट पाउडर लिया है, 1 कप चीनी लिया है, 1 चम्मच इलायची पाउडर लिया है, 1/2 कप बादाम लिया है जिसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और 1 चम्मच घी। गैस पर एक कढ़ाई गरम करें। कढ़ाई गरम होने पर 1 चम्मच घी डालें। घी को पूरी तरह पिघलने दें और कढ़ाई में गाजर डालें। ध्यान रहे गैस को लो फ्लेम पर ही रखें। गाजर को लगातार हिलाते रहिए ताकि गाजर अच्छे से पक जाए। गाजर को पकने के लिए कम से कम 5 से 6 मिनट लगेगा। पांच से छ मिनट के बाद अब कढ़ाई में चीनी डालें और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चीनी अब पिघलने लगा है, अब इलायची पाउडर भी डालें और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब नारियल पाउडर भी डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ड्राई फ्रूट भी डाल दीजिए और अच्छे से मिक्स कर दिए। और लगातार हिलाते रहिए जब तक ये थोड़ा ड्राई नहीं हो जाता। गैस को लो फ्लेम पर ही रखें और स्पून से हिलाते रहिए। लगभग 6 से 7 मिनट के लिए हमें कढ़ाई में उसको फ्राई करना है। गाजर का मिश्रण अब ड्राई हो चुका है तो अब गैस बंद कर दें और कढ़ाई को गैस से उतार दें। अब गाजर का मिश्रण को एक प्लेट में निकल कर साइड में रख दें। अब 3 से 4 मिनट के लिए थोड़ा ठंडा होने दें, वरना लड्डू बनाते वक्त हाथ जल जाएगा। थोड़ा सा गाजर का मिश्रण को हाथ में लेके कितना गर्म है चेक कर ले। अगर ज्यादा गर्म है तो थोड़ा और ठंडा होने दें। अभी मेरा ये ठंडा हो गया है, अब इसे लड्डू बना देंगे। आप देख सकते हो इसी तरह से लड्डू बनाएंगे। ये देखिए लड्डू बहुत ही बढ़िया बना है और बहुत ही स्वादिष्ट है ये लड्डू। आप ये रेसिपी जरूर ट्राई करें और कैसे बना है मेरे चैनल पे शेयर करें। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आया तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करें। थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी एक और न्यू रेसिपी के साथ।